पाठ 18 मित्रता। इस निबंध के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता को मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता मानते हुए उपयुक्त मित्र के चुनाव संबंधी कुछ विशेष बातें बताई हैं। अच्छे मित्र के चुनाव पर ही जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऊपरी दिखावा करने वाले, केवल मित्रता का दम भरने वाले साथियों की कुसंगति दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। इसलिए जीवन में सोच विचार कर मित्र का चुनाव करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। यह बात हमें नहीं सोचती, क्योंकि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम भी हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है
कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मोह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इसके लिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम अपवित्र विचारों को सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरी बातें कहने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते उससे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें इनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीख काजल की लागी है पै लागी है। बुरे लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितना भी बचाएं, बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है।